नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जाहिलों में जंग, झूठ, फरेब, मक्कारी और बदबूदार विचारधारा के बल पर लड़ी जाती है। पाकिस्तान के इरादों को पंटिया मेट करने के लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान वाली धूर्त मुल्ला पॉलिसी को अपना लिया है। वह इसमें सिर्फ कामयाबी नहीं हो रहा है बल्कि पाकिस्तान के गुलाम तालिबान को भी हुल्ला हुल्ला करा दिया है। दोनों पक्षों में जारी लड़ाई अब हथियारों की लड़ाई मात्र नहीं रही है, इसमें धूर्तता और मक्कारी का मिश्रण भी हो गया है। पाकिस्तान की मुल्ला मीडिया का वह प्रोपेगेंडा ढह चुका है जिसमें तालिबान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। अफगान सैन्य बलों ने बहादुरी का परिचय देते हुए आतंकियों में हाहाकार मचा दिया है। कल 156 मुसलमान आतंकियों को हुरों की खोज में भेजकर अफगान सेना ने अपनी क्षमताओं और युद्ध नीति का एहसास कराया है। पिछले 5 दिनों में 500 से ज्यादा दहशतगर्द ठोके गए हैं, जबकि अफगान सेना को 5% नुकसान नहीं हुआ है। यानी अफगान आर्मी मुसलमान आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही है। पाकिस्तान की फटी पड़ी है और उसके गले में पड़े ढोल ने शोरगुल शुरू कर दिया है, जिसमें हाय भारत हाय मोदी की हाय हाय निकल रही है, पर उसकी यह हाय उसी पर भारी पड़ गई है। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूद अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। 2 दिन पहले अफगान दूत की बेटी सिलसिला का आईएसआई ने अपहरण किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पर यह कठोर कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को यह घटना मामूली लग सकती है, मगर अफगान सरकार का यह फैसला पाकिस्तान के साथ तालिबान के मंसूबों को ध्वस्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि घबराहट का मारा मुल्ला बेचारा अब इस घटना को रोकी करतूत बता रहा है। अफगान दूत की बेटी मदरसा मुल्क और आतंकी तालिबान के लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। यही कांड पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है और अब पाकिस्तान और तालिबान को अपनी हार का डर सता रहा है। दुनिया के जिन देशों में पाकिस्तानी दूतावास मौजूद है, वे कूटनीतिक प्रक्रिया को मजबूती देने से ज्यादा उन देशों की जासूसी करने के लिए अधिक बदनाम है। यूं भी इन जाहिलों को खुद पर भरोसा नहीं होता है। पाकिस्तान आतंकियों को पैदा करने और उन्हें प्रशिक्षण देने का मुख्य केंद्र रहा है, इसीलिए पाक दूतावासों में खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसों को बतौर अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है। यह खुफिया एजेंसी दुनिया के आतंकी समूह से सीधे संपर्क में रहती है और देशों के नेताओं एवं प्रभावशाली लोगों की जासूसी करके इन आतंकियों को बचाकर भी रखती है, साथ ही पाकिस्तान पर बढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी कम करती है। काबुल में स्थित पाकिस्तानी दूतावास तालिबान के संरक्षण और उसे दिशा निर्देश देने वाला बड़ा केंद्र है। इस दूतावास में आईएसआई के जासूसों की भरमार रहती है, मगर जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक राजनयिकों के विशेष अधिकार शामिल होते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ करना संभव नहीं है। पाकिस्तान इतना धूर्त और हरामी देश है जिसका फायदा वह अपनी मुल्ला गर्दी के लिए करता है, पर अब पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। अफगानिस्तान द्वारा इस्लामाबाद से अपने राजनयिक और तमाम कर्मचारियों को वापस बुलाने से पाकिस्तान को भी काबुल दूतावास खाली करना पड़ेगा। इसी दूतावास के जासूसों पर अफगान सरकार और सेना के भीतर जासूसी करने का आरोप लगते रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले बुधवार को कंधार चमन मार्ग पर स्पिन बोल्डिंग क्रॉसिंग पर तालिबान के कब्जे में काबुल दूतावास ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी दूतावास से तालिबान को दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, वहां की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। ये बातचीत भारतीय एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की थी और इसे अफगान की सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया था। इसके ठीक 2 दिन बाद ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में अफगान राजदूत नजीबुल्लाह अली खीर की बेटी का अपहरण कर लिया। दरअसल यह आईएसआई का प्री प्लान ड्रामा था। पाकिस्तान सिलसिला का अपहरण करके उसे तालिबान के सुपुर्द करने वाला था। उसका इरादा सिलसिला को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करके अफगान सरकार पर दबाव बढ़ाना था, परंतु पाकिस्तान के यह मंसूबे उस वक्त तार-तार हो गए जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह घटना आग की तरह फैल गई। इससे दुनिया भर में पाकिस्तान पर सवाल उठने लगे और मदरसा मुल्क को अपनी प्लानिंग में बदलाव करने को मजबूर होना पड़ा, जिसके 5 घंटे बाद इस सिलसिला को प्रताड़ित करके सड़क पर फेंकने का ड्रामा रचा गया। पर तब तक पाकिस्तान के हाथ से बाजी निकल चुकी थी और दुनिया भर में उस पर सूसू शुरू हो गई थी। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की इस करतूत का फायदा अपने हित में उठाया, जिसके बाद इस्लामाबाद दूतावास को खाली कर दिया गया और पाकिस्तान को भी काबुल दूतावास छोड़ने का प्रोक्सी इशारा किया गया। खास बात यह है कि इस घटना के 24 घंटे के भीतर ही 156 तालिबान दहशतगर्द हुरों की तलाश में भेज दिए गए। इस कार्रवाई के दौरान अफगान सेना को सिर्फ मामूली नुकसान हो पाया। पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान के पीछे कोई और शातिर दिमाग है जो यह गेम खेल रहा है। निसंदेह उसका इशारा भारत की तरफ है, इसलिए जब उसे अपनी गर्दन फंसती हुई दिखी और अफगान सरकार की पाक पर कठोर कार्रवाई हुई तो उसने इस घटना की जिम्मेदारी भारतीय खुफिया एजेंसी रो पर डालकर जान बचाने की कोशिश की।
जिस दिन सिलसिला का अपहरण हुआ था तब पाकिस्तान के बेवकूफ गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा था कि सिलसिला का अपहरण नहीं हुआ है, वह अपनी मर्जी से रावलपिंडी घूमने गई थी, परंतु वह इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके कि सिलसिला के शरीर पर चोटों के निशान कहां से आए हैं। कभी भारत को 125 ग्राम और 250 ग्राम के परमाणु बम की धौंस दिखाने वाले बकलोल शेख राशिद अब इस अपहरण कांड को रोकी कारस्तानी बता रहे हैं। वह इसे एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट और रोकी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एजेंडा बताकर पीछा छुड़ाने की कोशिश में है। उनका दावा है कि भारत खुफिया एजेंसी रो ने दुनिया भर में इसे अपहरण का रूप देकर प्रसारित किया है, यानी रो अब खुफिया एजेंसी की बजाय भारत की मीडिया विंग बन गई है, जिसे जाहिल मदरसा पैदाइश के प्रचार का ठेका मिला है। पाकिस्तान की झल्लाट इसलिए भी बढ़ रही है कि एक हफ्ते तक जिस तालिबान को उसने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था उसे काबुल और कंधार से दूर खदेड़ा जा रहा है। मदरसा पैदाइश तमाम मोर्चों पर मात खा रही है, यही वजह है कि उसे भारत की परोक्ष मिली भगत नजर आती है। यूं भी भारत ही ऐसा देश है जो इन जाहिलों से 10 कदम आगे की सोचता है। पाकिस्तान को पढ़ने में भारत का कोई सानी नहीं है। भारत जानता है कि जाहिलों की पैदावार किस हद तक गिर सकती है। ऐसे में भारत के पास इनकी हर चालबाजी की काट मौजूद है। पिछले 2 दिन से तालिबान शांति और बातचीत के राग अलापने लगा है। उसकी इन अपीलों में उसका डर और प्रज्ञा के संकेत मिलते हैं। तालिबान के ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है जो वह इस तरह के बयान दे रहा है, बल्कि 5 दिनों से अफगान सेना की जबरदस्त कार्रवाई ने तालिबान में भग्गी मचा दी है। अफगान सेना में यह ताकत और जोश कहां से आया है यह कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। पाकिस्तान तो खुल्लम खुल्ला इसे भारत से मिली मदद से जोड़कर देख रहा है। पाकिस्तान द्वारा अफगान दूत की बेटी का अपहरण करने का मनोवैज्ञानिक असर तालिबान के गुटों पर भी पड़ा है। इनमें कई लड़ाके हैं जिन्होंने इसे अफगानिस्तान की अस्मिता के तौर पर महसूस किया है। अफगानिस्तान की जनता में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा तेज हुआ है, यानी पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर अपने तहमंदों की बलि दे रहा है। अगर पाकिस्तान द्वारा लगाए गए इन आरोपों को सही मान भी लिया जाए कि भारत अफगान सरकार की मदद कर रहा है, तो यह भारत की जरूरत और मजबूरी है। भारत का अफगानिस्तान में $3 अरब के करीब निवेश है। इतनी रकम के लिए पाकिस्तान किसी भी देश के सामने सजदा कर सकता है। भारत अपने निवेश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर पाकिस्तान भारत संपत्ति को टारगेट करने हेतु लड़ाके तैयार कर सकता है, तो भारत भी उसके काउंटर में पहले ही तैयारी कर चुका है। भारत को अफगानिस्तान से भगाना इतना आसान नहीं है जैसा कि मदरसा पैदाइश सोचकर बैठी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।